और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS मेडिसिन पर। दोस्तों, आज मैं आपको दाद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, मतलब रिंग वर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जैसे कि उसके लक्षण, उसके कारण और उसकी मेडिसिन हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आपको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, चलो चलते हैं इसके लक्षणों की ओर। दोस्तों, इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं कि सबसे पहले दोस्तों, ये जो है त्वचा पर, सिर पर या फिर नाखून पर दाद बनता है। दोस्तों, सबसे पहले एक छोटा सा दाना बनता है और दाना बनने के बाद दोस्तों उस पे उसके अंदर एक द्रव पड़ जाता है, मतलब पीले रंग का द्रव या फिर रेड कलर का द्रव जो है उसके अंदर पड़ जाता है। और दोस्तों, फिर उसके बाद उसके ऊपर पपड़ी जमने लगती है। पपड़ी जमने के बाद दोस्तों उसके चारों ओर भी नए दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। नए दाने निकलने के बाद दोस्तों, नए दाने निकलने के बाद उसमें जो है बहुत ज़्यादा खुजाहट आने लगती है। रोगी जो है बहुत ज़्यादा खुजाहट से बेचैन हो जाता है। और जो नए दाने बने हैं दोस्तों, जो पहले दाने बीज के दाने होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं और जो नए दाने निकलते हैं वो चारों ओर एक रिंग का आकार ले लेते हैं। दोस्तों, ये त्वचा के ऊपर के दाद के बारे में था। और नाखून के जो दाद होते हैं दोस्तों, वो इस प्रकार होते हैं कि यदि अगर आपके नाखून में किसी तरीके का दाद कोई बन रहा है तो नाखून जो है आपका शुष्क हो जाएगा बहुत ज़्यादा। खुश्क होने के बाद दोस्तों वो सुकड़ने लगेगा और सुकड़ने के बाद दोस्तों वो जो है हल्का पीले कलर का या फिर हल्का सफ़ेद कलर का होने लगेगा। ये इस प्रकार का दाद जो है दोस्तों नाखून पर देखा जाता है। दोस्तों, ये सब लक्षण जो है नाखून के होते हैं। अगर त्वचा पर कहीं इस तरीके का दाद बना है तो वहाँ की जो है चमड़ी भी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है और उसके अंदर उसके ऊपर जो है पपड़ी बनकर बहुत ज़्यादा सुरख पड़ जाती है। और दोस्तों, इसी प्रकार अन्य जो अन्य दाद दाग होते हैं वो भी उसके चारों ओर बनने लगते हैं। दोस्तों, ये सब थे इसके लक्षण। अगर इस प्रकार के किसी को लक्षण दिखाई देते हैं तो समझना चाहिए कि हमारे रिंग वर्म या फिर दाद हो रहे हैं। दोस्तों, ये सब इसके लक्षण थे। अब इसके कारणों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि इसके क्या कारण है, ये किस कारणों की वजह से जो है दाद आपके हो सकते हैं। दोस्तों, इस रोग का जो मेन कारण होता है वो परोपजीवी फफूंदी होता है। इसी के कारण दोस्तों हर व्यक्ति के जो है दाद निकलते हैं, या फिर इसके जो सहायक लक्षण होते हैं, मतलब परोपजीवी फफूंदी में जो सहायता करते हैं जिनकी वजह से दाद आपके ज़्यादा उभर जाते हैं, वो इस प्रकार हैं कि यदि अगर आप नियमित स्नान नहीं करते हैं तो उसकी वजह से, या फिर आपके पसीना आकर कहीं मैल जम जाता है तो उसकी वजह से भी आपके जो है दाद बनने की संभावना बढ़ जाती है, या फिर ऐसे लोगों के संपर्क में रहने से जिनके इस तरीके के दाद हैं तो उनसे भी जो है आपके दाद होने के जो है बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं, या फिर ऐसे शरीर के अंग जो जिनको हवा नहीं लगती है, जिनको हम हमेशा ढके रहते हैं, तो ऐसे अंगों में भी ज़्यादातर दाद देखने को मिलते हैं दोस्तों। या फिर जहाँ नमी रहती है, जिस अंग पे जहाँ भी नमी रहती है तो वहाँ भी कुछ जो है दाद के चांस बढ़ जाते हैं दोस्तों। या फिर मधुमेह के रोग, जो व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में भी जो है दाद के कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। या फिर कोई मोटा व्यक्ति है तो उसमें भी जो है देखा जाता है कि दाद के लक्षण कुछ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये सब इसके कारण थे। अब मैं आपको इसके अस्पताल मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि यदि अगर आपके इन कारणों की वजह से और ये सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इनको किस तरीके से दूर कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इनका एकदम बिल्कुल सफल इलाज बताने वाला हूँ। देखते रहिए आप मेरी वीडियो और अब मैं बताता हूँ इसके इलाज के बारे में। तो इसका इलाज कुछ इस प्रकार है कि आप जो है टीनियोफेक्स क्रीम ले, यदि अगर आपके दाद अभी शुरू हुए हैं तो एक टीनियोफेक्स क्रीम ले। दोस्तों, इससे जो है अगर आपके दाद अभी शुरू हुए हैं तो एक ही टूप में पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद जो है सरफेस क्रीम आता है, वो आप त्वचा पर लगा सकते हैं, या फिर अगर वो नहीं मिलता है तो टेनोवेट क्रीम आता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, या फिर एमजर्ब पाउडर आता है दोस्तों, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, या फिर माइकोजेल एफ क्रीम आता है दोस्तों, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके नाखूनों में दाद हो गए हैं, आपके नाखून सुखड़ने लगे हैं, टेढ़े मेढ़े पड़ने लगे हैं, इस प्रकार के लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं
और आपको लगता है कि मेरे नाखूनों में जो है दाद बनने लगे हैं, तो दोस्तों इसके लिए आप साइनियम क्रीम ले सकते हैं, मतलब मरीज के अनुसार, ठीक है। और डीकानाजोल क्रीम आता है दोस्तों, वो भी आप नाखूनों पे लगा सकते हैं। आप इस तरीके से नाखूनों पे लगा सकते हैं दोस्तों, पहले आप किसी ब्लेड से या फिर किसी छुरी से नाखून को ठीक तरीके से घिस लें, और घिसने के बाद फिर उसके बाद क्रीम आप सुबह और शाम करके लगा सकते हैं। इससे तो ये सब दोस्तों आपको 1 से 2 महीने तक करने की जरूरत है, उसके बाद देखेंगे कि आपके नाखून बिल्कुल स्वस्थ और पहले की ही तरह हो जाएंगे। अगर कितने भी पुराने आपको इस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो ये उपचार करने से आपके जो है क्रीम, आपके जो है नाखून बहुत ही जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों यदि अगर किसी के सिर में या फिर त्वचा पर या फिर योनि में अगर किसी के दाद हो गए हैं, तो आप जो है फूनाजोल टैबलेट ले सकते हैं। ये टैबलेट जो है दिन में एक बार एक टैबलेट ली जाती है, या फिर माइकोराजोल टैबलेट आती है दोस्तों 200-400 mg में, आप उसको भी दिन में एक टैबलेट यूज कर सकते हैं, या फिर लाबाल टूप आती है, लाबाल टैबलेट आती है दोस्तों, आप उसे दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं, सुबह और दोपहर शाम। दोस्तों ये सब जो है इसके उपचार थे। अगर आपको इस तरीके के कहीं भी किसी तरीके से दाद दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो आप इसमें से कोई सा भी पाउडर एक ले सकते हैं, या फिर एक कोई सी भी टैबलेट ले सकते हैं, या फिर एक कोई सा भी लोशन ले सकते हैं, और ये सब यूज करने के बाद दोस्तों आप जो है 1-2 महीना यूज करिए, और उसके बाद आप देखोगे कि आपके पूरी तरीके से दाद खत्म हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपके दादों में बहुत ज़्यादा खुजाहट आती है और इनसे भी आपको ठीक तरीके से रिलीफ नहीं मिलता है, तो दोस्तों आप इन्हीं के साथ एक एविल और एक बेटनिसोल टैबलेट और एक सिट्रजिन टैबलेट आप इन्हीं के साथ जो है लगा सकते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको पूरी तरीके से रिलीफ मिल जाएगा कि आपके आप देखोगे कि आपके एक या दो महीने के अंदर ही अंदर आपके पूरी तरीके से दाद खत्म हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि